नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रोजाना की तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी क्लास में उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक टेंस को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी भविष्यकाल अनिश्चित। टेंसेस को हमने शुरू किया था, टेंसों के प्रकार पढ़े हमने सबसे पहले, उसके बाद टेंसों में पढ़ा हमने टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस की चार चार शाखाएं होती हैं। प्रेजेंट की हमने चारों शाखाओं का अध्ययन किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार फिर हमने पास्ट की चारों शाखाओं का अध्ययन किया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और आज हम फ्यूचर टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल अनिश्चित, इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान पूर्वानुमान लगाया जाता है, इसलिए फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस की भी चार शाखाएं हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम पहली शाखा कार्य के पहले रूप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी हिंदी की पहचान पर। दोस्तों, इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे हिंदी में? हिंदी की पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। यानी हिंदी में जैसे मैंने लिखा, वह एक मकान खरीदेगा, तो यहां बैठक की पूछ को देखेंगे, गा शब्द आ गया, खरीदेगा, फ्यूचर प्लान है उसका, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब किसी बैठक की पूछ पर गागेगी शब्द आ जावे तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह रहा था। वह एक मकान खरीदेगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, सीता एक गाना गाएगी, हम वहां जाएंगे, हम एक फिल्म देखने जाएंगे, वे यहां आएंगे, हमारे कुछ मित्र यहां से प्राचीन स्मारकों को देखने के लिए रवाना होंगे। तो यानी गागी के शब्द जब आ जाए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह रहा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो इसकी अंग्रेजी की पहचान है इंग्लिश में, अंग्रेजी के वाक्यों में इंग्लिश की पहचान, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, आदि सब आते हैं। जैसे मैंने लिखा, आदि शब्द आते हैं, तथा सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैंने लिखा, आई सेल गो देयर नेक्स्ट डे, तो यहां नेक्स्ट डे शब्द आ गया ना, तो हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यहां सेल शब्द आ गया तो सेल्स की है, सेल और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको बताया था अंग्रेजी की पहचान क्यों जरूरी है याद रखना, क्योंकि जब हम आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो अंग्रेजी की पहचान के बिना काम नहीं चलेगा।
हिंदी की पहचान याद रखना क्यों जरूरी है? टेंस में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, चार चीजें याद रख लीजिए, उसकी हिंदी की पहचान, इंग्लिश की पहचान, उसकी सहायक क्रिया और उसकी मुख्य क्रिया। और आगे में कंक्लूजन और टेंस में जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से इसको याद करने के तरीके और सूत्र भी आपको बताए जाएंगे, जो कि बिल्कुल सरल विधि होगी याद करने की। ये थोड़ा विस्तृत आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप टेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन भी कर सकें, क्योंकि हर जगह ट्रिक्स से काम नहीं चलता। ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी टेंस याद करने की, आप धैर्य रखें और चैनल को देखते रहें। अगला है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया है सेल और बे, यानी इसमें एक वचन बहुवचन नहीं चलता। प्रेजेंट में और पास्ट में एक वचन करता और बहुवचन करता होते थे, इसमें सीधा आई भी कर्ताओं के साथ से लगा और बाकी सभी कर्ता ही सी इट नेम यू दे दीज दोज दिस दैट के साथ बिल लगा, यानी आई वी के साथ सेल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नोट इसमें एक बात हो रहा है, यदि वैक में इम्फेसिस जोर दिया जा रहा हो तो फिर आई वी के साथ विल हो जाता है, विल हो जाता है तथा बाकी कर्ताओं के साथ सेल हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैं कल उसे मारूंगा, आई विल किल हिम टुमारो, तो फिर यहां सेल नहीं आएगा, फिर विल आएगा, क्योंकि उसने डिटरमिनेशन कर लिया, बैक पर जोर दे दिया, मैं कल जयपुर जाऊंगा ही, आई विल गो टू जयपुर टुमारो। तो इस तरीके से फिर आई के साथ विल आता है ना कि सेल। और इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इस टेंस की हिंदी की पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गांगे की आदि शब्द आते हैं, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ आदि शब्द आते हैं, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल विल, आई भी कर्ता के साथ सेल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। यदि वैक में इम्फेसिस हो रहा हो तो फिर आई भी के साथ विल हो जाता है और बाकी कर्ताओं के साथ सेल हो जाता है, इसकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाते हैं। अब मित्रों इस टेंस से भी कोई चार प्रकार के वैक बनाए जाएंगे, साधारण, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोवेटिव, प्रश्नवाचक और इंट्रो नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेंसों में सबसे सरल टेंस है फ्यूचर टेंस, इसमें ना तो कोई ज्यादा प्रयोग है ना इसमें ज्यादा समस्याएं हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने से ही ये आसानी से समझ में आ सकता है और आपने जो टेंस पढ़े हैं उसके हिसाब से आप उसे अब आसानी से समझ सकते हैं। अब वाक्य बनाने के नियम देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, साधारण का सूत्र होता है सबो, यानी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडर। जैसे मैंने कहा मैं एक गाना लिखूंगा तो आई
शैल राइट ए सॉन्ग। सबसे पहले करता आई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, लिखना क्रिया है, राइट और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, आई शैल राइट ए सॉन्ग, क्योंकि आई वी के साथ शैल आता है और बाकी सभी के साथ विल आता है। जैसे मैंने कहा वी एक मैच देखने जाएंगे, तो सबसे पहले करता दे विल गो टू वॉच या सी, गो टू वॉच ए मैच, दे विल गो टू वॉच ए मैच, वे एक मैच देखने जाएंगे। सबसे पहले दे करता, फिर सहक्रिया दे बहुवचन है, आई वी को छोड़कर के बाकी सभी करता के साथ दिल लगाते हैं, तो दे के साथ दिल आ गया, फिर क्रिया जाएंगे, गो देखने भी क्रिया है, तो जब मुख्य क्रिया छोड़ करके दूसरी क्रिया आती है तो टू से जोड़ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, गो टू वॉच एक मैच ए मैच। अब इन्हीं को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव नकारात्मक, नकारात्मक का सूत्र होता है सनबो यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। मैंने कहा मैं ये गाना, मैं ये गाना नहीं लिखूंगा, तो आई शैल नॉट राइट ए सॉन्ग। अब दोनों में अंतर देख लेंगे, क्या अंतर है, केवल नोट का, यहां नोट आ गया है, यहां नोट लगा देने से नेगेटिव हो जाता है। आप खुद बनाएंगे वे एक मैच देखने नहीं जाएंगे, अब आप खुद बनाएंगे इसको। अगला है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का सूत्र होता है हस्वो यानी पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओड, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैंने लिखा क्या मैं ये गाना लिखूंगा, तो सबसे पहले क्या आती है अंग्रेजी के लिए सेल, आई राइट ए सॉन्ग, और मैं ये गाना क्यों लिखूंगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई सेल आई राइट ए सॉन्ग। अब आप इसके बनाएंगे उदी, क्या वे एक मैच देखने जाएंगे, और वे एक मैच देखने क्यों जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए, साधारण में और प्रश्नवाचक में, ये सेल है ना ये इधर कर्ता से पहले आ जाएगा तो ये वैसे प्रश्नवाचक हो जाएगा, और ये जो सहक्रिया है ये क्या का अर्थ देगी। जैसा कि देखो यहाँ आई से पहले सेल आ गया है, इसी तरीके से ये आई से पहले सेल आ गया है, और यदि डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड की अंग्रेजी और उसके आगे लिख देते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि साधारण से नकारात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, एच बी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और यदि साधारण से प्रश्नवाचक बनाना हो तो सहक्रिया को कर्ता से पहले रख देते हैं। अब अगला इसका वो है सेंटेंस अफर्मेटिव, वो इंट्रो नेगेटिव, देखिए इंट्रो नेगेटिव प्रश्नवाचक नकार,
प्रश्नवाचक नकारात्मक सूत्र होता है हसन वो, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। मैंने लिखा क्या मैं ये गाना नहीं लिखूंगा, तो सबसे पहले क्या के लिए शैल आई नॉट राइट ए सॉन्ग, और मैं ये गाना क्यों नहीं लिखूंगा, तो वाई शैल आई नॉट राइट ए सॉन्ग, इस तरीके से ये आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक इंट्रो नेगेटिव हो गया। अब आप दोनों वाक्य बनाएंगे क्या वे एक मैच देखने नहीं जाएंगे और वे एक मैच देखने क्यों नहीं जाएंगे, ये दोनों वर्ग आप सुनना है। तो मित्रों इसमें कोई यूज नहीं है और यूज ना होने के कारण ये टेंस यही समाप्त होता है। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हमारा अगला चैप्टर होगा कल फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद हम टेंस का निष्कर्ष निकालेंगे, यानी कंक्लूजन ऑफ टेंस, जिसमें हम ट्रिक्स के साथ टेंस को याद करना सीखेंगे। मित्रों आज के चैप्टर में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर दो शब्द आपके लिए, आप पढ़ाई करते रहें, आप विद्यार्थी हैं, अपने कर्तव्य को याद करते, क्योंकि विद्यार्थी का पहला कर्तव्य मन लगाकर पढ़ाई करना है। जैसे हर व्यक्ति का एक रूटीन है, आपका भी एक रूटीन है, कुछ कार्य आप नित्य करते हो, नित्य आपने अपने जीवन में उनको ढाल रखा है, ऐसे ही आप इस पढ़ाई को भी नित्य करें, नित्य इसको ढाल लें। आप प्रतिदिन उठते हो, सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, खेलना आपके लिए बहुत जरूरी है, बातें करना आपके लिए बहुत जरूरी है, खाना खाना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसी प्रकार इसको भी एक जरूरी अंग बना लें कि पढ़ना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, किसी दिन आप कम समय दे रहे हैं तो कम समय भी दीजिए, लेकिन इसको किसी दिन खाली मत जाने दीजिए। आपका दिन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की हो, यानी ब्लैंक डे आप पढ़ाई में मत आएंगे, ऐसा मेरा आपसे कहना है। मानना ना मानना ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि एक टीचर का काम है अच्छी सलाह देना, और वो हम करना चाहते हैं। आगे जैसे आप प्रतिदिन खाना खाते हो, खाना आपके समक्ष होता है, रोटी आ जाती है और आप पता नहीं लगता कि आप रोटी को कब खा गए, कब आपने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया, क्योंकि उस समय आपका एम होता है जल्दी से जल्दी खाना खत्म करना और अपने अन्य कार्यों के लिए जाना। तो ऐसे ही आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ते समय, जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ते समय आप लक्ष्य बना लो कि मुझे इतनी देर में ये चैप्टर खत्म करना है और जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ताकि अन्य समस्याएं मुझे घेरें, अन्य समस्याओं से मैं घिरूं उससे पहले मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। ऐसा लक्ष्य यदि आपने बना करके पढ़ाई की तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल और महान हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। जय हिंद जय भारत। और मित्रों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नई जोश के लिए, नई उमंगों के लिए। महर्षि स्कूल बाय।